पानी आगे तक आ गया अभी, देखते ही देखते, और ये भी और ऊपर तक आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। आज चौथा दिन है ईद का और छोटी सी राइड पे आज हम निकल रहे हैं गडानी की तरफ, क्योंकि चार दिन हो गए कहीं निकल नहीं पाए थे, तो मैंने कहा यार एटलीस्ट छोटी सी राइड तो करें। तो इस वक्त मैं हूँ, साजिद भाई हैं अपनी सुजुकी इंट्रेडोर 800 पे, और दानियाल है सीबी पे। आगे हमें बदर ज्वाइन करेगा अपनी इनाजुमा पे। तो अभी यहाँ कराची पीआईडी से निकल रहे हैं, और आज एक डिफरेंट और चीज़ है कि एंगल मैंने कैमरे का थोड़ा सा चेस्ट पे लगाया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के ऊपर मुस्तकिल हेलमेट पे गोप्रो को लगा के रखने से मुंह दर्द कर जाता है। तो ये सीन है, देखते हैं कैसा एंगल आता है। चलें भाई, रेडी रेडी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौसम भी अचानक बदला है, वरना ईद के जो दो तीन दिन थे उसमें बहुत शदीद गर्मी थी, और आज बादल छा गए। ये अभी दोपहर में ही बादल आए हैं तकरीबन 1 बजे के टाइम पे, और बहुत प्यारा मौसम हो गया। तो होपफुली गडानी पे भी ऐसा ही मौसम होगा तो बड़ा प्यारा सनसेट होगा देखने वाला। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अब टोल प्लाजा पहुंच गए, और अभी 5:09 हो रहे हैं, इंशाल्लाह 6 बजे तक गडानी पे होंगे इंशाल्लाह। मौसम स्टिल खूबसूरत यार, कैमरे का एंगल पता नहीं अभी कैसा दिख रहा होगा, फर्स्ट टाइम चेस्ट माउंट के थ्रू मोटर व्लॉगिंग हो रही है। अगर ये एंगल कामयाब हो गया मैं तो भाई यहीं से ही बनाऊंगा, बड़ा सुकून है। हेलमेट पे जो है ना वेट नहीं है ना, ज़िंदगी सुकून में। ऑपरेट तो खैर हैंडल हेलमेट पे भी आसान है, इशू नहीं है, सिर्फ हेलमेट में ये है कि आप इधर उधर मुंह हिला के दिखा सकते हो कुछ व्यूज़ को, चेस्ट के ऊपर आप हिल नहीं सकते ज़्यादा, स्ट्रेट ही आपने दिखाना है जो सामने दिख रहा है। ये आ गया भाई हब बाईपास का सबसे खूबसूरत पार्ट, क्योंकि सामने यहाँ पहाड़ हैं और लेफ्ट पे खजूर के दरख्त लगे हुए या नारियल के। मैं रुख नहीं घुमा सकता अपना दिखाने के लिए, सीधा सामने ही जो कुछ दिख रहा है बस वही दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता हूँ। आगे आए ना थोड़ा, आप लोगों को भी तो वीडियो में दिखाऊँ मैं कौन हमारे साथ महान लोग राइड पे जा रहे हैं। माशाल्लाह ये आ गए हमारे साजिद भाई ब्लैक वीडियो के साथ, वो यहाँ पे गड्ढा बन गया बस का, और ये आ गए गेम ओवर, एरर 404 गेम ओवर। अल्लाह करे रिकॉर्डिंग हो रही हो आवाज़, पता नहीं अभी सर माइक तो अटैच है, हो रही होगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे गडानी के करीब पहुँचते जा रहे हैं हवा में ठंडक बढ़ती जा रही है। साजिद भाई चलाएं चलाएं, बारिश के मौसम की एक बात है हर जगह को जो है ना खूबसूरत बना देती है, और कहीं पे भी हो आप बारिश का मौसम हो रहा होगा वो चार चांद लग जाएंगे। ये भाई आ गया गडानी का मोड़, लास्ट टाइम मिस कर दिया था हमने। अभी ये लोग वापसी कर रहे हैं ना, लोग वापसी कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। चलो जी, अब यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर अंदर और है। ये भाई गडानी के ब्रेकिंग यार्ड की तरफ मुड़ गए हम लोग, राइट साइड पे गडानी बीच है और लेफ्ट पे ये रास्ता ब्रेकिंग यार्ड की तरफ जा रहा है, बस थोड़े ही आगे जाके कहीं तशरीफ़ रखेंगे इंशाल्लाह।
दिखा मैं देता हूँ, छोड़ें आप। वालेकुम सलाम। हाँ तीनों साथ हैं, कितने? 150। यार राइट पे चलो, राइट पे ज़रा। हाँ इधर चलो, राइट पे चलो, इधर देखते हैं, ऊपर भी तमीज़ की जगह होगी वरना फिर नीचे उतरना पड़ेगा। अबे ये तो बंद हुआ है, नहीं है ना जगह इधर। चलो वहीं से ले लेते हैं, वहीं से ले लेते हैं, घुमा लो घुमा लो, इसी रोड से वापस जाना, इसी रोड से। यहाँ से भी जा सकते हैं वैसे, यहाँ से नहीं रास्ता। चलो ओए होए, रोमांटिक मॉल हो रहा है यार बड़ा, और लेकिन समंदर चढ़ा हुआ है काफ़ी। हाँ राइट लो, राइट लो। अच्छा मैं जगह देख लूँ कोई स्पॉट? हाँ मैं यही देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, मैं भी स्पॉट देख के मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, ये वहाँ ऊपर भाई बहुत स्टीप है, ऊपर नहीं चढ़ सकते ना। देखो हमारी बाइक ही चढ़ जाएंगे, आपकी बाइक का मसला होगा। हाँ तो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी आपकी, जहाँ तक मैंने खड़ी की। अंदर ही ले जाऊँगा मैं समंदर के। ये लो भाई पहुँच गए बिल्कुल समंदर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं गडानी पे, और ये शिप ब्रेकिंग यार्ड वाली साइड है। रुकना मुझे पीछे था लेकिन बस वो रास्ता समझ में नहीं आया और यहाँ तक पहुँच गया। तो समंदर काफ़ी चढ़ाव है पीछे देख सकते हैं आप, और सनसेट होने में अभी तकरीबन 40 मिनट हैं। तो अभी थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह करेंगे यहाँ पे, और यहीं पर ही चेयर्स वगैरह लगा के बैठेंगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सनसेट के क्या आज मनाजिर हैं। बड़ा बेहतरीन मौसम हो गया, वरना ईद के दूसरे दिन तक तो बहुत शदीद गर्मी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया। और इस वक्त ठंडी हवाएँ चल रही हैं और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है, आप देख सकते हैं। पब्लिक यहाँ पर इतनी नहीं है, ज़्यादा पब्लिक जो मेन पॉइंट है इसका गडानी का वहाँ पर होती है, तो इसीलिए हम हमेशा इसी साइड पे आते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद फिर वापसी निकलेंगे तकरीबन 7 बजे तक। साजिद भाई और दानियाल ने तो आते ही अपनी पोजीशन संभाल ली है, फुल फोटोग्राफी चल रही है इनकी, हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। अभी यहाँ पहुँचते ही यहाँ कुछ फॉलोअर्स भी हमें मिले, मेरे सब्सक्राइबर थे या फॉलोअर्स थे बहरहाल, तो उनसे भी मुलाकात तो हुई, सनाउल्ला भाई थे। तो उस टाइम कैमरा ऑन नहीं था तो मैं कैमरे में नहीं दिखा सका। थैंक यू भाई, आपसे मिलकर खुशी हुई। और बदर भी आ गया भाई, बदर नज़र आ रहा है, बदर आ गया, उसको भी दिखाते हैं आपको। अभी एंट्री फीस दे रहा है तो अंदर आते हैं तो उसको दिखाते हैं। बदर बदर उस साइड से पीछे आऊँ, पीछे आऊँ। लगेगी लगेगी। ये हमारे बदर भाई भी पहुंच चुके हैं अपनी इनाजुमा पे। रुक जा रुक जा, स्टैंड स्टैंड कर रहे हैं। लगी है, कर लिया, लग रहा है। हाँ ना लग रही है ना, तो उधर नहीं जाना वापस ला। वो देख, ये हमारे यहाँ पे बाइक्स पार्क हैं सारी। और कौन कौन आया है? अली दिशान भी आया है। ये हमारे अली दिशान भाई हैं। सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
खैरियत से हैं? आ ही गए बेटा, कुछ नीचे पछे लगा लेना वरना सिर वो गिरेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारे कामरान भाई हैं। कैसे अदील भाई? माशाल्लाह, पहुंच गए। कुछ लगा दो नीचे, वो लगा रहा हूँ, पत्थर लगा रहा हूँ। पत्थर तो ये पड़े हैं। हाँ, वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ पे बाइकों पे वो होगा। जब तो मैं तो वहाँ ले गया था आगे, फिर यहाँ वापस यहीं खड़ी कर दी। वो फवारा आ रहा है पानी का ना, जंग आएगा। सही हो गया, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक हो गया, बड़ी देर हो गई तुम लोगों को। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये कामरान थोड़ा ऑफिस से लेट हो गया था, ये ढीला है। सही है। अबे हमने पीछे रुकना था, मुझे जगह ही जहन से निकल गई कि हम लास्ट टाइम मैं कहाँ रुका था। यहाँ पे तो रश होता है, कम है लेकिन ये कि रश हो रहा है। फिर भी वो माहौल नहीं है जो मैं चाह रहा था, बिल्कुल सन्नाटे वाला। सन्नाटा ईद वाले दिन कहाँ मिलेगा? अरे पीछे होता है ना, ये मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट से हटके होते हैं सन्नाटे। चलो खैर है, सही है। सूरज तेजी से नीचे जा रहा है और 6:30 हो गए इस वक्त। आजकल सनसेट तकरीबन 6:58 पे हो रहा है, तो अभी भी मज़ीद टाइम है। पानी काफ़ी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है, देखें पानी आगे तक आ गया। अभी देखते ही देखते और ये भी और ऊपर तक आएगा। लेकिन खूबसूरत, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मंज़र हो रहा है। और लोग भी काफ़ी कम हो गए अब। जब हम आए तो काफ़ी रश था, अभी ऐसे ऐसे लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है मगरिब होने वाली है, तो लोग मगरिब तक नहीं रुकते, मोस्टली लोग चले जाते हैं। अभी पूरा ज़रा सनसेट हो जाए तो वो आपको दिखा के फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे इंशाल्लाह। जी सनसेट हो रहा है, ऑलमोस्ट एंड पे, बिल्कुल बारीक सा दिख रहा है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं और क्लाउडी वेदर है, तो सनसेट उस तरह देख नहीं रहा जिस तरह यहाँ पे दिखता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया हमने इसको, इस माहौल को। और इंशाल्लाह जल्दी एक नया ट्रिप है, सैटरडे को हम लोग निकल रहे हैं एक लंबे ट्रिप पर इंशाल्लाह, वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी 2 दिन बाद स्टार्ट है हमारा वो ट्रिप, तो अभी हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी। तो इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ईद का 14 दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एंड हुआ। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरह अच्छी अच्छी एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे। बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं नॉर्थ क्यों नहीं जाते? भाई नॉर्थ जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, आपके पास टाइम हो, आपके पास बजट हो, और फिर आपके साथ आपके दोस्त साथ हों जो साथ आपके उस प्लान को फॉलो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें एक जगह जमा होना बहुत मुश्किल काम है और काफ़ी टाइम से ये हो नहीं पा रहा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा नॉर्थ भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दुआ करें कि वसाइल बन जाए और प्लान सेट हो जाए। इस व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।